आपको तरन पाजी याद है? जापान गए थे मेरे साथ। एग्जीबिशन बहुत बढ़िया थी बट एट द सेम टाइम वही तो तरन पाजी ने ना आज से 2-3 महीने पहले ना आरवी रेंट कर ली। हिंट है कोई? ये हिंट है वो अलग अलग मत जाओ। अरे ये अंकल जी बहुत कितना बड़ा सरप्राइज है ये। हाँ बिल्कुल सरप्राइज है। और हमने उनकी आरवी का ले लिया टूर। Very nice. I just went inside for like quick 5 minutes. I really liked it. वो उस दिन से हमारे को हो गया कि भाई तरन पाजी ने सही हमारे को ना तिल्ली लगा दी है, आरवी तो अब हमें भी लेनी है। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने यहाँ से ना एक नॉर्मल कार रेंट पे ले ली। पिछली वीडियो पे किसी ने पूछा था कि भाई ऐसा कैसे आप कर रहे हो कि आपने गाड़ी ली टोरंटो से रेंटल कार और रिटर्न करी मॉन्ट्रियल। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी करती हैं ऐसे, उन्हीं की ब्रांच होती है, यहाँ से गाड़ी लो वहाँ छोड़ दो। हमने टोरंटो से ले ली गाड़ी, मॉन्ट्रियल में छोड़ दी और वहां से हम लोगों ने पिकअप कर ली आरवी। बैठे हैं जी पहली बार आरवी की ड्राइवर सीट के ऊपर। सो आइडिया ये था कि मॉन्ट्रियल के नॉर्थ में जाना है, वहां पे 2-3 बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स हैं और एक नेचर रिजर्व है, वहां से फिर वेस्ट मूव करना है टुवर्ड्स टोरंटो। बट मेन हाईवे से नहीं आना, एक प्रोविंशियल पार्क आता है एल्गोनकिन प्रोविंशियल पार्क, उसके अंदर से होते हुए आना है। सो दैट वाज द प्लान। आगे आने वाली कुछ वीडियोस में आप वो सारा प्लान देखोगे। और अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ इसके सारे कंट्रोल। इसकी जो ब्रेक है वो मैंने प्रेस कर दी है, पैडल ब्रेक। अब वो रिलीज कैसे होती है ये देखना है मेरे को। दैट वाज द इतनी तेज। हाँ रिलीज ऐसे होती है ना। सो ये हो गए जी इसके गियर, ठीक है। मिरर वगैरह सारे इसके कर लिए हैं चेक। इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे भी स्क्रीन है, तो मैप्स वैप्स यहाँ लग चुके हैं। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सबसे पहले वॉलमार्ट। सो वॉलमार्ट पे पार्क करते हैं और सारा सामान सामून खरीदते हैं। 2 मिनट के लिए खोला है और सारी मक्खियाँ अंदर आ गई। एक बार पहले चलते ही जरा इसकी ब्रेक वगैरह चेक कर लूँ मैं। ब्रेक उतनी बढ़िया नहीं है यार जितनी बढ़िया अपनी गाड़ी की होती है। ऑफ कोर्स ये पहली बार इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। ये कोई 28 फुट टाइप है ये, बहुत दूर है गाड़ियाँ, पहले ही चल पड़े। क्या गिरा? गिरा जो रखा होगा खाली। चलो यहाँ से व्यू दिखाएं, क्या व्यू आ रहा है सड़क का। तो जी पहला स्टॉप अभी जा रहे हैं वॉलमार्ट, वहाँ से सारा सामान खरीदने हैं। जो भी खाना वाना हम लोगों ने 5 दिन खाना है जो, वो सारा आज खरीदेंगे। फर्स्ट पार्किंग, लेट्स सी हाउ यू डू इट। इधर कहीं लगा दो ये, यहाँ ऐसे लगाएंगे, इधर से निकालेंगे और उधर से निकल जाएंगे। पहली पार्किंग सक्सेसफुल हुई है जी। चलो अब सारे फटाफट भागते हैं। बिल्कुल आदत नहीं है यार, हाथी है बिल्कुल हाथी। तो हमारी आरवी ट्रिप का जो सबसे पहला स्टॉप था वो था माउंट ट्रॉम्बलॉन नेशनल पार्क। ये बहुत ही बड़ा, यानी 1500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक नेशनल पार्क है, यानी एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, पूरा प्रिजर्व किया है वहां पे। हंटिंग वगैरह भी कुछ अलाउ नहीं करते वहां पे। मॉन्ट्रियल से कुछ 2 घंटे नॉर्थ में पड़ता है, इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। और जहां पे मैंने कैंपिंग बुक की थी दैट वाज ऑन द लेक मुनरो, एक उसके अंदर एक लेक है। 2 घंटे तो सिर्फ उसकी एंट्रेंस थी जो नेशनल पार्क था, उसके अंदर मेरे ख्याल से 20 या 25 मिनट और उसके अंदर, सो 2.5 घंटे मान के चलो मॉन्ट्रियल से हमारे को लग गए इस नेशनल पार्क में पहुंचने के लिए। Continue on route Principale for 2 kilometers. Turn left onto Kemendu Lac Superieur. Continue on Kemendu Lac Superieur for 19 kilometers. पर हमने एक थोड़ी गलती कर दी, वो हमने ये नहीं देखा कि
वीकडेज में जो उसका रिसेप्शन होता है जहाँ पे चेक इन करते हो आप, वो जल्दी बंद हो जाता है। मैंने गलत टाइम देख लिया, हमें लगा कि ठीक है हम पहुँच जाएंगे यार 8:30 बजे तक, 9 बजे तक वो खुला होता है, लेकिन वो जल्दी बंद हो जाता है वीकडे पे। सो उसका नुकसान क्या हुआ, हमें मैप नहीं मिला वहाँ का। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, मैं अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लूँगा, मैप इज़ नॉट दैट बिग अ डील। लेकिन वो एंटर करने से जस्ट पहले, मतलब 5-7 मिनट पहले ही, हमारे फ़ोन के कनेक्शन, मतलब पूरा सेल फोन कवरेज गॉन। सेल फोन का नेटवर्क ही नहीं था वहाँ पे, मैप नहीं था और मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ चल नहीं रहे थे। तो बेसिकली हमें ढूंढने में पहले बात तो बहुत दिक्कत हुई कि हमारी साइट है कहाँ। Then we found it. No. कहीं दिखे नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा यार। अब इसको बैक करके कैसे लगाओगे? Oh my God, क्या रास्ता था यार। 9:22 हो गए, फाइनली पहुंच गए अपनी कैंप साइट पे। अंधेरा घुप है और क्या जबरदस्त बाहर तारे दिख रहे हैं। पहले सबसे पहला काम करना पड़ेगा, इसको बिजली को करते हैं कनेक्ट। गेट्स की रेडी टू ईट मील, दाल तड़का और उसके साथ में बन रहे हैं गार्लिक नान। अरे वाह, ये हमारी किचन, 3 बर्नर वाला स्टोव, 1 मिनट दिए पानी, ये उसमें बनेगी चाय, इसमें बनेंगे नान और उसमें बनेगी दाल। Yes, Dad. Wasabi, kid. Oh yeah, I made up a dance. पर अगले दिन क्या हुआ, सुबह हमारे को एक पार्क रेंजर मिल गई वहाँ पे, जिससे हम लोगों ने बात की और उसने पूरा हमारे को मैप वैप समझा दिया। If you continue just straight, it's gonna be on your right. Okay. And there's a little way to go down to the lake. और जब वहाँ पहुँचे भाई, क्या जबरदस्त ब्यूटीफुल जगह थी। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल जगह थी, मुझे पता कई लोग कमेंट करेंगे कि यार इससे तो बहुत सुंदर जगह होती है। इससे बहुत सुंदर सुंदर और जगह होती हैं। इवन लास्ट ईयर मैं बैंस गया था, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। बट प्रॉब्लम मेन क्या होती है, जितनी भी ब्यूटीफुल जगह होती है ना, वहाँ पूरी दुनिया पहुँच जाती है, दैट रुइंस द ब्यूटी। यहाँ बेस्ट क्या था कि हमारे को एक्सेस मिल गई थी पूरी लेक की, और लेक पे कोई भी नहीं था। मतलब 1 घंटा तो हम बैठे हैं, कोई भी नहीं था। 1 घंटे के बाद दो तीन लोग और आ गए थे, बट पूरा टाइम यार, मतलब इतना सुकून, इतना पीसफुल, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं और पानी की आवाज़ आ रही है। आरवी का कनाडा और यूएस में इतना ज़बरदस्त कल्चर है पिछले 30-40 साल से। बहुत से तो लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम आरवी में रहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं रिटायरमेंट की इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब रिटायर हों, अपना घर बेचें, फुल टाइम आरवी में रहें या मैक्सिमम टाइम आरवी में रहें। और आरवी का कुछ क्रेज़ ऐसा है कि आपको हर गली मोहल्ले में, आपको बाहर ड्राइवे पे आरवीज पार्क हुई मिल जाएंगी। इनफैक्ट मेरे हमारे यहाँ पे एक बंदा रेंट पे रहता था, एज थी उसकी 75+, और कहता है कि मैं 15-20 साल से मेरे पास आरवी है। और वो क्या करता था, यहाँ से ड्राइव करके जाता था, गाड़ी उसने अपनी आरवी रखी हुई थी लेक जॉर्ज, न्यूयॉर्क में एक जगह है लेक जॉर्ज, यहाँ से ड्राइव करके जाता था जब भी उसका मन करता। वैसे रिटायर्ड था वो, लेकिन जब भी मन करता 4-5 दिन अपनी आरवी में लगा के आता, तो पूरे साल का रेंट देता था वहाँ पे। और 90% उसकी आरवी सिर्फ एक जगह पे पार्क रहती थी, बट ही वॉज जस्ट लाइक कि आई रियली एन्जॉय लिविंग इन माई आरवी।
यहाँ से अपनी गाड़ी ड्राइव करके 7-8 घंटे ड्राइव करके लेक जोर जाता था और आरवी में रहता था। फिर जब मन भर जाता था फिर वापस आ जाता था और दो दो जगह का रेंट दे रहा था, मतलब यहाँ वो रहने का और वहाँ आरवी पार्क करने का। गाइस इससे ब्यूटीफुल जगह आपने देखी है? क्या जबरदस्त जगह है यार। ना पैर पानी में डाल के बैठो, उस बैठे रहो और नेचर को एक्सपीरियंस करते रहो और आवाज़ सुनते रहो, जो पत्तों की हवा से जो पत्ते की आवाज़ आ रही है, आसपास गिलहरियों की आवाज़ें आ रही हैं। सोचो जब यहाँ फॉल के कलर्स आ जाएंगे कितना ब्यूटीफुल लगेगा। yeah. अभी भी थोड़े थोड़े देख रहे हो येलो येलो शेड्स हो रही हैं। यस कलर शुरू हो गए। लुक एट द एंड सो वाइट, आई मीन इट्स सो ब्लू। व्हेन यू शूट इट लुक आई गेट बट आई गेट